मुल्क को ग्रीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन मुल्क भर की तरह चकवाल में शजरकारी मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मिशन को आगे बढ़ाते हुए चकवाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सेवर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तमाम जुगी स्कूल प्रोजेक्ट चकवाल में शजरकारी मुहिम का अफ्तिताह एसडीओ फॉरेस्ट अफीसर रिजवान समाजी शख्सियत नईम अकरम ने किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल फरीदा यूनस, मुनीर हैदर आवान, तनवीर हैदर, राजा साकिब अब्बास और जुगी स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे, जिन्होंने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का अफ्तिताह किया। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फरीदा यूनस और नाबा का कहना था, और वज़ीर आज़म साहब ने जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा है, हम सब उस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं और आज जुगी स्कूल के बच्चे भी और हम भी, हम अपने पूरे इलाके में ये कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द बहुत सारे दरख्त उगा सकें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इंशाल्लाह हम इसी तरह से प्लांटेशन करते रहेंगे। हम आज हम जुगी स्कूल प्रोजेक्ट में प्लांटेशन कर रहे हैं और ये पाकिस्तान को आगे क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए सच अ ग्रेट कैंपेन। हमारी शख्सियत नईम अकरम एसडीओ फॉरेस्ट रिजवान का कहना के वजीर आजम ने मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए मिलियन ट्रीज लगाने का मिशन शुरू किया जो खुश आइंद है। तहसील चकवाल में हमने तकरीबन यहाँ पे 2.5 लाख के करीब पौधे लगाए और पूरे जिले में तकरीबन 10 लाख के करीब पौधे इस मुहिम में हम लगाएंगे इंशाल्लाह और इसको मुहिम को आगे लेके चलेंगे। पौधे लगाना सदका जारी, पौधे लगाने के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और हर शहरी को अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाना चाहिए। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। साहिवाल मेडिकल कॉलेज।